सुबह सुबह ये नजारा है बेडरूम के विंडो से। ये टक कर लेंगे, बट टकिंग कब तक रहेगा ये माया के ऊपर डिपेंड करता है इंटायरली। एंड इसके साथ इसका ये बड़ा भाई है स्वेटर, बाहर काफी हवा दे रही है। मॉर्निंग, आज है हमारा थर्ड डे यहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट में और अभी मॉर्निंग हो चुका है। अमाया ने शुरू कर दिया अपना मॉर्निंग 2 घंटे पहले से ही, है ना? हेलो बोलो। हेलो बोलो चांद। और अभी मैंने सिर्फ एक टोस्ट खाया है, संबित ने कॉफी पी ली है और अमाया ने कुछ अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो वो बाकी है। एंड अभी हम सोच रहे हैं क्या करें। मुझे आज थोड़ा चिल चाहिए क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है और संबित को आज करना है वाटर स्पोर्ट्स। उसने पहले भी लेक डिस्ट्रिक्ट में वाटर स्पोर्ट्स किया था तो ये अभी उसका सेकेंड टाइम है, तो देखते हैं क्या करते हैं। और यहाँ पे अमाया शुरू हो चुकी है उसका कारनामे करने के लिए, दिखाती हूँ। वैसे बाहर का वेदर ऐसा है, अब देख ही सकते हो काफ़ी ही अच्छा वेदर है और यहाँ पे हमारा शुरू हो चुकी है कुछ कुछ करते हुए। क्या कर रही हो मम्मा? लॉन्डो ने जाए अच्छा पढ़ाशुना। अच्छा এখানে দেখো না, এখানে কিছু দেখা যায় নাকি? দেখো এখানে আছে না কত কিছু? দেখবো দাঁড়াও, এখানে কয়েকটা ইয়ে রাখা আছে। ये तो पूरा लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बुक है। कहाँ पे क्या है सब कुछ है इसमें। हाँ तो ये चेक करके जा सकते। मम्मा मम्मा डोंट टच एनीथिंग फ्रॉम देयर, डोंट टच एनीथिंग फ्रॉम देयर। तो चलो कहीं पे जाते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ आज, मैं काफी ज्यादा टायर्ड और टैंड भी हो चुकी हूँ। आप देख ही सकते हो मेरा चेहरा पूरा जल चुका है क्योंकि इतना ज्यादा कल हम लोग बाहर थे धूप में। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये क्या चल रहा है मामा? क्या हुआ क्या हुआ कैसे हुआ? तुम ही पारा दे दिए छो इश्राम। ओ ओ ओ सुबह सुबह मन किया संबित का कि नूडल्स खाएगा, एप्पल हेल्दी ऑप्शन उसको पसंद नहीं है, वो खा रहा है चीन का केक और ये अभी नूडल्स बन रहा है। नूडल्स भी अच्छे ही है, थोड़ा सा कैरेट्स और मशरूम दे सकते हो, फ्रिज के अंदर है, समझ रहे हो? हाफ हाफ है वो कैरेट्स, वो ग्रेट करके दे दो तो हेल्दी होगा माया के लिए। ये ग्रेट करके दे दो मम्मा चीज का भी। मैं ना बार बार यही व्यू देख रही हूँ, मतलब इतना पसंद आया है मुझे ये व्यू, इतना ज्यादा पसंद आया ना क्योंकि मैं बार बार घूम फिर के आके यही पे खड़ी हो जाती हूँ। मम्मा तुम मम्मा नीचे वो उसके 7 मिनट का वो गिरा दिया, वो गिरा दिया इस चॉकलेट्स। अभी चॉकलेट्स नहीं खिलाएंगे माया को। आई एम रेडी एंड लेट्स गो। हाय गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग आए हैं यहाँ पे। ये एक स्टोन सर्कल है, दिस इज द स्टोन सर्कल, कैसल रिक स्टोन सर्कल, दिस इज द व्यू। स्टोन सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और
लेक डिस्ट्रिक्ट पे. तो दिस आर वेरी वेरी फेमस थिंग हियर एंड यहाँ पे आते हैं हर कोई. मैं काफ़ी सारे इंडियंस को भी यहाँ पे देख पा रही हूँ आज. एंड बहुत लोग डॉग्स लेके आए हैं. काफ़ी हवा चल रही है. वैसे तो मैंने स्वेटर पहना हुआ है, फिर भी इतनी ठंड लग रही है. मुझे अभी लग रहा है जैकेट लाना पड़ेगा कार से. मैंने अपना जैकेट पहन लिया है क्योंकि कैसल रिक स्टोन सर्कल में हैं हम अभी. और बहुत सारे स्टोन सर्कल्स हैं यहाँ पे. मैंने जैसा आप लोगों को कहा था, अगर आप लोगों ने वो वाली सीरीज़ देखी है जिसका नाम है आउटलैंडर, तो नेटफ्लिक्स में आता है वो वाला सीरीज़, आप देख सकते हो. 6-7 सीजन्स है उसके. काफ़ी अच्छी सीरीज़ है. वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टोन को टच करने से, यहाँ पे लोग मानते हैं कि टच करने से यू कैन गो टू लाइक अ फ्यू सेंचुरीज बैक एंड स्टफ लाइक दैट. तो वो एक चीज़ है, आप कर सकते हो. और यहाँ का जो व्यू है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है. आज तो बहुत जन आए हुए हैं क्योंकि आज ईस्टर संडे है. सो हॉलीडे भी है और संडे तो ऑब्वियसली होता है, बट ईस्टर की वजह से भी फैमिली इकट्ठी हुई है. व्यू काफ़ी अच्छा है, बट बहुत विंडी है और अभी सूरज भी निकल के फिर छुप गया है, इस वजह से और ज़्यादा ठंड लग रही है. अबाया को मैंने अपना ग्लव्स पहना दिया है, उसको इतनी ठंड लग रही है. एंड व्यूज़ आपको सब भी दिखा देगा, सिनेमैटिक व्यूज़ के दर्शन होंगे. पहले मैं बात करूँ उसके बाद सिनेमैटिक व्यूज़ के दर्शन वो करेगा आज अच्छे से. वो वीडियो करेगा सिनेमैटिक्स, क्योंकि वो अच्छे से कर पाता है वो सारे वीडियो, क्योंकि व्यूज़ बहुत है. और ये सबसे देख सकते हो ये सारे स्टोन्स हैं, फुल स्टोन्स, एंड यू कैन गेट क्वाइट व्यू ऑफ देम हियर. लाइक बहुत सारी जगह पे छोटे 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 ऐसी जगह है जहाँ पे स्टोन सर्कल्स हैं. और उसके पीछे की मान्यता, कस्टम्स एंड कल्चर जो इनकी संस्कृति में बहुत ज़्यादा मान्य है. Run, mama, run! कल इतना अच्छा वेदर था, आज ये ऐसी हालत है. ठंड के मारे हमाया हिल नहीं रही है बेचारी बच्ची. Papa. ना परफ्यूम दियो ना.
अमाया ने अभी वोमिट किया है तो संबित उसको साफ कर रहा था और कपड़े घर जाकर मैं धोऊंगी। ये सारी चीज़ें भी होती है, मैं ये दिखाती नहीं हूँ बट ये सारी चीज़ें भी होती है अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल करते हो जो कि वोमिट करते हैं। और मोशन सिकनेस मुझे है बचपन से तो मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होती है और सेम चीज़ अभी मेरी बच्चे को भी आ गई है। Mama, your lunch is here. No, don't touch. আমি তোমাকে প্লেটে দেবো, দাঁড়াও প্লেট দেবো। খানা খানে আয়ে লঞ্চ আর ইসনে আধা লে লিয়া আর ইয়ে তো বিনা খাতে বেঠি হ্যাঁ। কোনটা কেন দিচ্ছ না? हम लोग इस वक्त है कुम्ब्रिया के एक टाउन में, छोटे से टाउन जिसका नाम है एम्बल साइड। बहुत ही प्यारा सा टाउन है और हम लोग शॉपिंग करने के लिए ढूंढ रहे कुछ चीज़ें एज ए सुवीनियर ले जा। नेटर भी तो चलो नेटर हैं, चलो एक बार देख। तो ये सारे यहाँ के लोकल शॉप्स है, यहाँ पे खाना भी मिलेगा एंड बहुत सारे चीज़ें भी मिलती है। वाइब्स देखिए कितना सुंदर वाइब है। ये यहाँ का रिक्रिएशनल सेंटर है, यहाँ टेनिस गोल्फ बाकी बच्चों की चीजें भी खेल सकते हैं। जैसे सनादर वे यहाँ से संबित जा रहा है। इस जगह की वाइब ही अलग है, गॉथिक ब्लैक कलर के सारे जो घर है आप देख सकते हो, डार्क ग्रे या फिर डार्क ब्लैक कलर में बनाई गई है। मतलब कुछ फेमस डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पे जैसे कि कुम्ब्रिया जहाँ से हम अभी जा रहे हैं, कैसिक जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। इसको छोड़ के पेनरिथ है और विंडरमेयर है, हाँ ये चार बहुत फेमस है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत रहते हैं, स्पेशली इंडियन टूरिस्ट बहुत मिलेंगे आपको। तो ये जो आप रिवर देख रहे हो ये भी त्रिलमेयर रिवर है, करेक्ट मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ये वाला रिवर है। तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस, छोटा सा एक हम लोग रुके थे यहाँ पे।